और चलिए बात करेंगे कुढ़नी की लड़ाई की। कुढ़नी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लड़ाई, जो सियासी लड़ाई है, शुरू हो चुकी है। महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी या फिर कहिए कि एनडीए की तरफ से अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं। हालांकि दोनों खेमे अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं AIMIM ने कुढ़नी में अपने उम्मीदवार को उतारने का ऐलान कर दिया, लेकिन इससे ज़्यादा जेडीयू ज़्यादा परेशान नहीं है। जेडीयू की माने तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कुढ़नी उपचुनाव में अहम की लड़ाई, महागठबंधन ने खोल दिए अपने पत्ते। AIMIM और VIP की एंट्री से हड़कंप। कुढ़नी उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने पत्ते खोल दिए। बता दिया गया है कि रणनीति क्या है और किस रणनीति से प्रत्याशी का सिलेक्शन हुआ है। मुकाबला तो जेडीयू वर्सेस बीजेपी का माना जा रहा है, लेकिन AIMIM की अनदेखी। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कैसे कर सकते हैं, गोपालगंज का नतीजा क्या आया सबको मालूम है, और इस नतीजे के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था ये भी मालूम है। लेकिन इस बात से AIMIM को चिढ़ है कि उसे वोट कटवा कहा जा रहा है। देखिए, ये बड़ा ज्यादती है किसी पार्टी के हवाले से ये कहना कि वो हमारा खेल बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। हम एक सियासी पार्टी हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, और पॉलिटिकल का पार्टी तो कोई NGO तो है नहीं ना कि हम इलेक्शन ना लड़ें। तो हम NGO नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। साथ ही VIP ने भी इस सीट से ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। तो क्या AIMIM और VIP के आने से महागठबंधन का समीकरण बिखरेगा, बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल से JDU बेफिक्र नजर आ रही है। हमें पूरा विश्वास है कि ऐतिहासिक जीत महागठबंधन की होगी, और पहले भी हमारा सीट रहा है, RJD का और JDU का ही सीट रहा है। कुढ़नी में सबसे ज्यादा वोटर्स कोयरी है, जिसके बाद भूमिहार, मल्लाह, यादव और फिर मुस्लिम और वैश्य हैं। और बीजेपी को उम्मीद है कि इस समीकरण में कमल खिलेगा। हमारे साथ राष्ट्रपात की जिसको राजनीति करना हो, विकास की राजनीति करना हो, और कुढ़नी विधानसभा के विकास की राजनीति जिसको करना हो, वही कुढ़नी में हमारे साथ आ सकता है। दावेदारी अपनी अपनी है, लेकिन राजनीति में समीकरण अंतिम तौर पर क्या होगा, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। जब सभी उम्मीदवार की तस्वीर साफ हो जाएगी, चाहे VIP हो या AIMIM, दोनों का उद्देश्य बीजेपी को हराना है। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, लिहाजा कुढ़नी विधानसभा की लड़ाई भी दिलचस्प होती जा रही है। कुढ़नी में सबसे ज्यादा वोटर्स कोयरी है, जिसके बाद भूमिहार, मल्लाह, यादव और फिर मुस्लिम और वैश्य है। और बीजेपी को उम्मीद है कि इस समीकरण में कमल खिलेगा। रजनीश, जी मीडिया, पटना। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।